हेलो दोस्तों, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में फ्लिपकार्ट ने एक स्मार्टफोन की प्राइसिंग वगैरह को रिवील कर दिया है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक रिवील कैलेंडर है जहां पर फ्लिपकार्ट हर एक डेट में स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग को रिवील कर रहा है कि सेल में आपको स्मार्टफोन का प्राइसिंग कहाँ तक मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर मोटोरोला का सारा प्राइस यहाँ पर रिवील हो चुका है। मैं आपको हर एक स्मार्टफोन का डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन का क्या प्राइसिंग होगा और कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी मैं फटाफट अपने लैपटॉप में भरता हूँ और देखता हूँ कि किस प्राइसिंग में आपको क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों ये हमारा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल का डैशबोर्ड जहाँ पर बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर जैसे कि हमें पता है गेट लोएस्ट प्राइस ऑन द बेस्ट सेलर 8 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक यहाँ पर चलने वाला है। इंटेल ने इसके पावर्ड किया है, मतलब लैपटॉप वगैरह में आपको अच्छा डील मिलेगा। साथ में बीटेक्स स्मार्ट वॉच और आसूस लैपटॉप में भी इसने स्पॉन्सर किया है, तो मतलब लैपटॉप वगैरह में इस बार आपको डील मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजों के यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने लाइव किया, जैसे कि सैमसंग F13 को लाइव करके रखा है यहाँ पर। प्राइसिंग अब तक चेंज नहीं हुआ है और यहाँ पर प्राइसिंग चेंज होगा। इन्फिनिक्स को कुछ प्राइसिंग को यहाँ पर लाइव किया है और नथिंग को फोन को आपको यहाँ पर 24,000 में नथिंग का फोन मिलेगा, ये भी काफी बड़ी बात है। दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने अपना एक कैलेंडर जारी किया था, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कैलेंडर कहाँ पर गया है। उस कैलेंडर के हिसाब से फ्लिपकार्ट हर रोज अपने स्मार्टफोन्स को रिवील कर रहा है। जैसे कि दोस्तों ये है 28 को मोटोरोला का रिवील हो गया था, आज 29 है तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट का रिवील होगा। 30 को इन्फिनिक्स का होगा, 30 को नथिंग का भी होगा, 1 तारीख को आईफोन्स का होगा, 2 तारीख को रियलमी का होगा, 3 तारीख को सैमसंग का होगा, 4 तारीख को पोको का होगा, 5 तारीख को पिक्सल का होगा और यहाँ पर 5 तारीख को रेडमी का होगा। तो ये सारे यहाँ पर रिवील डेट है। रिवील होने के बाद मैं आपको सारी चीजों का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं मोटोरोला की तरफ कि मोटोरोला का प्राइसिंग वगैरह क्या रिवील किया है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात, आप यहाँ पर EMI में ले सकते हैं और साथ में फ्लिपकार्ट क्रेडिट भी दिया गया है, जो कि 1 लाख तक आपको क्रेडिट मिलेगा फ्लिपकार्ट की तरफ से। पहला स्मार्टफोन मोटोरोला का है जो कि मोटोरोला एज 30 फ्यूजन। दोस्तों बोल सकते हैं ये एक फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है जहां पर प्राइसिंग अभी यहाँ बता दे रहा है 30,000 रुपया आपको सेल में मिलेगा, पर यहाँ पर प्राइसिंग है दोस्तों 35,000 का स्मार्टफोन आपको मिलेगा 30,000 में, साथ में इंक्लूडिंग 3,000 का आपको यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर ही मिलेगा। तो ये एक डील है। इस फोन में आपको क्या क्या मिलेगा अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर स्मार्टफोन में आपको मिलेगा 8GB रैम, 128GB का स्टोरेज, 50MP का कैमरा, 32 का फ्रंट कैमरा, 4400mAh की बैटरी, साथ में स्नैपड्रैगन 888। दोस्तों अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 दिया गया है। मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 दिया गया दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो चिपसेट काफी अच्छा है, आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं मिलेगा। सेकंड स्मार्टफोन की बात करें तो सेकंड स्मार्टफोन है मोटो G32, 8GB का रैम, 128GB का स्टोरेज और प्राइसिंग है बस 9,000 रुपये। दोस्तों 9,000 में आपको 8GB का रैम मिल रहा है, काफी बड़ी बात है। इसमें मिलेगा क्या क्या आपको? स्नैपड्रैगन 680 मिलेगा, 50MP का ट्रिपल कैमरा मिलेगा और अगर इसके बारे में हम डिटेल में देखें तो अभी प्राइसिंग है इसका 9,000 रुपीज। तो एक अच्छा ऑफर ये स्मार्टफोन एक हो सकता है। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें जो कि है मोटोरोला G14। दोस्तों ये स्मार्टफोन बेसिकली एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है। इसमें आपको क्या मिलेगा? G14 में आपको प्राइसिंग है 9,000 लेकिन आपको सेल में मिलेगा 8,100 रुपीज में। दोस्तों प्राइसिंग वाइज बोलूं तो ये स्मार्टफोन आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये स्मार्टफोन उतना कुछ वर्थ नहीं है। इसी प्राइसिंग में दूसरे स्मार्टफोन्स आपको अच्छा चीज मिलेगा, तो ये स्मार्टफोन आपको इग्नोर करना है G14 को। नेक्स्ट बात करें मोटोरोला H40 Neo। दोस्तों ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? अभी प्राइसिंग है इसका 23,000 लेकिन सेल में मिलेगा आपको बस 20,000 में। क्या क्या मिलेगा इसमें? 144Hz का 10-bit का एक P-OLED डिस्प्ले, IP68 का रेटिंग मिलेगा। साथ में अगर इसके अंदर और बात करें तो Dimensity 7030 प्रोसेसर मिलेगा, 5000mAh की बैटरी, 50MP प्लस 13MP का रियर कैमरा और 32MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पर काफी अच्छी है, यहाँ पर मोटोरोला आपको ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया है, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। साथ में 1,000 का आपको एक्सचेंज डिस्काउंट मिलेगा और कार्ड वगैरह लगाने से शायद और डिस्काउंट आपको मिल सकता है, तो ये स्मार्टफोन काफी एक बढ़िया रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें वो है मोटोरोला H40। मैं यहाँ पर अपने फोकस कर देता हूँ। मोटोरोला H40 जो कि दोस्तों एक फ्लेक्सिबल का स्मार्टफोन होगा, 35,000 रुपीज इसका प्राइसिंग है लेकिन सेल में क्या प्राइसिंग में आएगा इसे फिलहाल अभी हाइड किया गया है। IP68 रेटिंग मिलेगा, कर्व डिस्प्ले मिलेगा और एक फ्लैगशिप सेलिंग स्मार्टफोन है। तो ये स्मार्टफोन भी आप देख सकते हैं लेकिन प्राइसिंग अभी फ्लिपकार्ट ने रिवील नहीं किया है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है मोटोरोला G54 5G जहां पर मिलेगा आपको 256GB का स्टोरेज, प्राइसिंग है 15,000 रुपये। दोस्तों 15,000 रुपये में एक बोल सकते हैं बजट फ्रेंडली एक 5G स्मार्टफोन होगा। अभी प्राइसिंग इसका 16,000 लेकिन सेल नहीं मिलेगा आपको 15,000 में, शायद आपको और डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कार्ड वगैरह लगाएंगे। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा?
50 MP का एक OIS का कैमरा मिलेगा, 8 MP का रियर कैमरा है, 50+8 MP, 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया है, 6000 mAh की बैटरी है, डायमेंसिटी 7020 दिया गया है। तो ये डील भी काफी अच्छा है, एक सस्ता 5G स्मार्टफोन बोल सकते हैं और काफी बढ़िया आपको मिलेगा। मोटो G84 5G दोस्तों, इसका प्राइसिंग होगा 17,000 रुपए, जहां पर आपको मिलेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट। और प्राइसिंग की बात करें, अभी प्राइसिंग इसका 18,000 दोस्तों, सेल में आपको और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इसमें कार्ड वगैरह लगाएंगे तो। दोस्तों ये जो प्राइसिंग है ये विदाउट कार्ड प्राइसिंग है, कार्ड लगाने से आपको और डिस्काउंट मिलेगा। साथ में अगर बात करें मोटो E30 के बारे में, तो ये दोस्तों ये एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ये बेसिकली 6500 इसकी प्राइसिंग है, लेकिन सेल में मिलेगा आपको 6749 दोस्तों, वो है 8GB रैम का। ये यहाँ पर 8GB रैम का प्राइसिंग दिया गया है 6700 दोस्तों, ये रहा इसका 8GB, जहाँ पर 7500 इसकी प्राइसिंग है, लेकिन आपको सेल में लगभग आपको 800 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर आपको 8GB रैम मिलेगा और एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है दोस्तों। ये भी एक बोल सकते हैं कि उतना कुछ खास नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर 8GB रैम 6700 में मिलेगा तो ये स्मार्टफोन भी काफी अच्छा होगा। तो दोस्तों मोटोरोला का यही स्मार्टफोन्स अभी रिवील किया है फ्लिपकार्ट ने, और बाकी जितने भी स्मार्टफोन्स रिवील होंगे उसके बारे में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। बाकी दोस्तों मोटोरोला के स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मोटोरोला की स्पेसिफिकेशंस प्राइसिंग वगैरह कैसी है कमेंट जरूर कीजिएगा। मोटोरोला का अगर आप स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे थे तो कौन सा स्मार्टफोन आप लेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमारे व्यूअर्स को काफी सपोर्ट मिलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कोई भी सवाल आपको कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।